सर मैं जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में देख रहे हैं कि हम आज जाके कुछ हल्की सी रिकवरी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये रिकवरी यहाँ से जारी रहेगी या फिर ग्वार गम ग्वार सीड में फिर से निचले स्तर और देखने को मिलेंगे और गिरावट और ज्यादा गहराएगी? जी, जहाँ तक ग्वार सीड का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और गिरावट बाकी है, क्योंकि अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है। बॉटम आउट होने के पहले एक बार प्राइसेस जो है वो 5,550 के स्तर को छू सकती है, तो एक नया रीसिंग देखने को मिलेगा। जो करंट प्राइस है वो सकता है हमें 100 रुपए और एक्सटेंड होते हुए दिखे, हमें 6,000 के काफी करीब प्राइस जाते हुए दिखे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की प्राइस है या सस्टेनेबल हो, मुझे लगता है ओवरऑल 5,600 के नीचे जा सकता है, स्टेबल हो सकती है ग्वार सीड में। उसी प्रकार ग्वार गम में करीबन 9,800 से 9,900 के बीच एक बार स्टेबिलिटी देखने मिलेगी, और जो करंट पुल बैक है, जिसे मैं पुल बैक टेक्निकल पुल बैक की बात करें, वो हो सकता है कि हमें 10,900 तक ग्वार गम में देखने मिले और उसके बाद दोबारा अब बिकवाली हावी होते हुए दिखा। जी, तो अमित जी क्या माना जाए, क्या आपने जैसा बताया कि अभी ग्वार गम में एक अभी और गिरावट वाला माहौल देखने को मिल सकता है, कीमतें और ज्यादा नीचे गिर सकती हैं, तो क्या इस टेक्निकल तेजी में ऊपरी स्तर से बिकवाल करके चलना सही रहेगा ग्वार में? जी, की जा सकती है। 6,000 के जो स्तर है वो एक या दो सेशन में देखने मिलेंगे, तो वहां से एक बार फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 5,600 के करीबन। जी,